एडीजी कार्यालय के बाहर चक्कर काट रहे इस व्यक्ति को देखिए, ये ब्रजराज सिंह है। ये गांव डावली थाना मलपुरा का रहने वाला है। ये अपने भाई कोमल सिंह की मौत में न्याय के लिए एडीजी के पास चक्कर काट रही है। पीड़ित के मुताबिक एडीजी ने आश्वासन दिया है कि 3 दिन बाद दोबारा आना तो जाँच दोबारा से कराई जाएगी। इस वीडियो को देखिए, ये नहर से मृतक कोमल सिंह की लाश बाहर निकाली जा रही है। इन तस्वीरों में भी देखिए, जिसमें साफ दिख रहा है कि चोट के निशान शरीर पर हैं। मृतक कोमल सिंह ब्रजराज सिंह का भाई था। भाई की हत्या मेरी चाची मिथिलेश, उनके दोनों बेटे ललित कालू और उनके दोनों भाई हरेंद्र और गजेंद्र और मेरे चाचा का लड़का राजू, इन्होंने मिलकर मेरे भाई की हत्या की थी। कितनी तारीख घटना है? जे 28 फरवरी की 2017 है। लाश कहाँ मिली? लाश गढ़ी गुलजारी नहर में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 बड़बड़ी चोट हैं और मेरे भाई को गुप्त अंगों से मार के नहर में डाला है। दरअसल 28 फरवरी 2017 को ब्रजराज सिंह के भाई कोमल सिंह की लाश गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर गढ़ी गुलजारी की नहर में मिली थी। इसकी सूचना भी परिजनों को दूसरे दिन हुई है। पीड़ित के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से हत्या का मामला सामने आया है, लेकिन मृतक के भाई का कहना है कि मौत दम घुटने से नहीं हुई है, उसकी हत्या की गई है। अब दोबारा से पीड़ित भाई जांच कराने के लिए घूम रहा है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस एसओजी ने उनको पकड़ा था, उनसे मेरे भाई का फोन भी बरामद किया है। एसपी आर्य मनसाराम गौतम जी ने उन्हें मुचकले पे उनके यहाँ कार्य बताते हुए उन्हें छोड़ा था। फिर उसके बाद गिरफ्तारी की बात करी, एसएसपी ऑफिस में एसपी प्रीतिम्बर सिंह और उन्होंने टीम बनाई थी किरावली की, और आज तक गिरफ्तारी नहीं करी। फिर एसओ आजाद पाल सिंह आए, उन्होंने गिरफ्तारी के प्रयास किए, एक दो बार दबिश दी, लेकिन गिरफ्तार नहीं किए। इस मामले में मलपुरा पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है, लेकिन पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, मेरे भाई को मारा। जबकि पीड़ित के आरोप के मुताबिक इस चाची के दो भाई हरेंद्र गजेंद्र चाचा का लड़का राजू नामजद है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित के अनुसार अगर यहाँ पर न्याय नहीं मिला तो वो कोर्ट का सहारा लेंगे या फिर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। विनोद जूनियर, सी न्यूज।